हाय मूवी सुवियंस, क्या हाल चाल है जी? सब कुछ बढ़िया है। अगर एक वो बहुत अच्छा सा तमाशा देखना है ना, तो आप जाके अभी जाओ ट्विटर, और वहाँ आपको बहुत ज़्यादा हंसी आएगी कुछ बेवकूफ़ों के ऊपर। देखो, जैसे ही आप ट्विटर खोलते हो तो वहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं। एक आता है कि ट्रेंडिंग क्या है, तो आप जाओगे आपको देखने को मिलेगा, एक तो ब्रह्मास्त्र ट्रेंडिंग होगा सबसे ऊपर, फिर होगा ब्रह्मास्त्र रिव्यू, वो सुपर ट्रेंडिंग होगा, फिर तीसरा होगा बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र, बॉयकॉट बॉलीवुड, ये सब चलता रहता है, ये रेगुलर फीचर हो गया। जैसे आप इसके अंदर जाओगे तो आपको एक बड़ी अच्छी सच्चाई का सामना होगा कि जो पहला टैब आएगा वो आएगा टॉप रैंक, और अगर आप ब्रह्मास्त्र रिव्यू के अंदर हो तो वहां पर आपको राहुल खन्ना, राहुल शर्मा, निखिल द्विवेदी, निखिल शर्मा, कुछ ऐसे करके रियल नामों से काफी सारे रिव्यूज आते हुए नजर आएंगे, जिसमें वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, जो भी उनका एक्सपीरियंस रहा होगा, और लार्जली वो पॉजिटिव ही है। और जो आप जैसी लेटेस्ट के अंदर जाएंगे, जैसे ही लोगों को पता चल गया कि ये पॉजिटिव आना शुरू हो गया है, एक मैगजीन है वैरायटी, उसने भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज़ इसके बारे में लिखे हैं कि बहुत बड़ी ये मूवी लगी है और बहुत अच्छे तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया गया, वैसे ही सब लोगों ने लिखना शुरू कर दिया शर्मा 678920, अब ये पता नहीं क्या है, या फिर पोगो 5678999910, अभी इस तरीके के जितने भी आईडीज़ हैं, इनफैक्ट नुपुर शर्मा 2.0, जिनका कोई लेना देना ही नहीं है यहाँ पर, उसके भी एक आईडीज बना के, और जितने भी आईडीज हैं इनके फॉलोअर्स और इनको फॉलोअरशिप मैक्सिमम 5-10 ही है, और इस तरीके के लोगों ने भर भर के नेगेटिविटी, भर भर के बॉयकॉट, ये फलाना ढमकाना कर दिया। आप जाओ, आप देखोगे आपको हंसी आनी शुरू हो जाएगी, पुराने पुराने टॉपिक्स खोल खोल के वो लग गए हैं कि नहीं जी ये तो अच्छी नहीं है, और इतने सारे लोग जो प्रीव्यू देखने भी नहीं गए हैं, जो स्पेशल फैन एक्सक्लूसिवली उनके लिए हुआ है, लिमिटेड सीट्स थी, लिमिटेड शो थे, इतने सारे लोगों ने देख भी कैसे लिया और उन लोगों ने अपना रिएक्शन शेयर भी कैसे कर लिया। तो यार, वो कहते हैं ना, नकल के लिए भी आपको अकल चाहिए होती है, और जिन लोगों ने भी ये जो सेल है ये एक्टिवेट किया है कि जाओ और नेगेटिविटी फैलाओ, थोड़ी सी अकल तो लगा लेते। इतने तो शोज़ नहीं थे, इतनी तो वहाँ सीट्स नहीं थी बैठने के लिए, जितने ज़्यादा अलग अलग आईडीज़ ने इसके लिए नेगेटिविटी फैला दिए, और बेचारे जो पॉजिटिविटी के परचम लहराते हैं वो लगे हुए हैं एक्सप्लेन करने के लिए। तो मैं ये बोलूँगा कि ये पेड बॉट्स वगैरह हैं, इनको ज़रा इग्नोर कर दो। जो आपको लगे कि ठीक आईडी है और काफ़ी टाइम से एग्जिस्ट करता है, ये एक बेसिक चेक है, अगर वो 7-8 साल से है, 5 साल से है, 4 साल से एग्जिस्ट करता है, उसके दोस्त यार मिल के करीबन 100 फॉलोअर तो होंगे, 50-60 फॉलोअर्स तो होते ही होंगे किसी भी इंसान के, इतने तो कॉलोनी में ही बन जाते हैं आपस में, तो उन लोगों का अगर कोई रिएक्शन आया तो शायद वो जेन्युइन होगा, उसको आप स्टडी करो, और वो लार्जली पॉजिटिव ही है। और जो न्यूज़ पोर्टल्स हैं उनको आप देखो, वो ट्विटर्स में जो अच्छे जो नॉन फेक आईडीज हैं उसको निकाल के वो देखते रहते हैं। तो जेन्युइनली मुझे आज एक शब्द यूज करने का मन कर रहा है, शर्म करो, क्यों पीछे पड़े हो, देख लो जाके मूवी, और देखने के बाद अगर ठीक ना लगे तो फिर उसकी धज्जी उड़ाना बनता भी है, लेकिन धज्जी भी तमीज़ के दायरे के अंदर। जिस तरीके से आप कोई भी फीडबैक देते हो, आप जेन्युइनली सिर्फ 5 सेकंड का फ्रेम भी शूट नहीं कर सकते हो अपनी कैपेबिलिटी के बेसिस पे, जब आप मजाक उड़ाना शुरू कर देते हो मूवीज़ का। एनीवेज, जल्दी मिलते हैं होपफुली विद अ वेरी पॉजिटिव रिव्यू ऑफ ब्रह्मास्त्र टुमारो मॉर्निंग। बाय बाय।